चटपटी और मसालेदार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाइए और हर एक न्यूज सबसे पहले पाइए। बस यही कहूंगा आजमगढ़ की धरती से कि आप देख लीजिए, आज देश का बच्चा बच्चा चाहता है, हर कोई चाहता है कि श्री नरेंद्र मोदी जी फिर से इस देश के प्रधानमंत्री बने और इस मिशन में आप सब लोग हमारा साथ दीजिए। धन्यवाद। और हम लोग जो है वो यही चाहते हैं कि श्री नरेंद्र मोदी जी फिर से देश के प्रधानमंत्री बने और हमारा देश और शक्तिशाली बने। सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि एक तरफ हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी हैं और दूसरी तरफ गठबंधन की लोग हैं जो निजी स्वार्थों से उनको रोकना चाहते हैं, नरेंद्र मोदी जी को रोकना चाहते हैं। इसलिए मैं आया हूं कि इस देश को अगर आगे बढ़ाना है तो नरेंद्र मोदी जी को रुकना नहीं चाहिए, बस इसमें आप लोग साथ दीजिए। अखिलेश यादव से सर अपनी किस तरह की टक्कर मारते हैं? जी अखिलेश यादव जी बहुत बड़े नेता है, बहुत अच्छे नेता है, पर वो गलत राह पे हैं, हम सच के साथ हैं और हमेशा जीत सच की होती है। थैंक यू। आजमगढ़ का बच्चा बच्चा मेरा भाई है, हर औरत मेरी माँ चाची है और हर बेटी जो है, हर बहन जो है मुझे अपना ही भाई बेटा समझती है और उसका उदाहरण आप देखिए, आपको दिखेगा। हर माँ, हर बहन, हर बेटा, हर बच्चा, हर चाचा, बुढ़ा सबके आके आज अपने लड़का का स्वागत करा था, बहुत बहुत दिल से एकदम खुशी होता और सबके बहुत बहुत आभार व्यक्त करता था। अच्छा दिनेश जी, एक जो फिल्मी अभिनेता में आपको सफलता मिली अब निरहुआ चला नेता बनने कितना लगता है आपको, किस में सच्चाई? बात निरहुआ की नहीं है, बात नेता की नहीं है, बात सच और झूठ की है। मैं आज देश के साथ खड़ा हूँ, श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ा हूँ। लगे झावा करने देश का बच्चा बच्चा और इसलिए आज यही भी लोग आए। धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। होता ना आगे से जो भी इच्छा मोबाइल पुलिस वालों गाड़ी जिंदाबाद जिंदाबाद।